अगर हम बात करें जय कृष्णमूर्ति की, तो जय कृष्णमूर्ति हमारी कैसे मदद करते हैं मैट्रिक्स से बाहर निकलने में। मैट्रिक्स मायाजाल, यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो रियल नहीं है, हर एक चीज़ माया है। और हमने एक मूवी भी देखी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम कैसे जैसे देख रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है वो हर एक चीज़ फिक्स है, और आपका जो फ्यूचर है हर चीज़ जो है वो पहले से ही जो है प्रोग्राम्ड है, और आपके आउटकम्स जो होंगे आप जो करेंगे भले ही आप अंदर से परेशान हो रहे हो, एक जो चीज़ है वो ऑब्जर्व कर रही है कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हो रही है, लेकिन एक तरफ आप जो है वो बंधे हुए हो और सारी की सारी चीज़ें फिक्स है, लेकिन लास्ट में जाकर एक एटर्नल वर्ल्ड होता है बिल्कुल लास्ट में, जहाँ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, एक क्रिएटर होता है। तो मैट्रिक्स मूवी ने हमें यकीन दिलाया कि किस तरह से हम जो हैं वो माया जाल में, इस भ्रम में जो हैं वो पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो मैट्रिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स के साथ नहीं जोड़ सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च है और उन्होंने जो है फिजिक्स में ऑनर्स किया हुआ है और बहुत अच्छी उनको नॉलेज है। वो बताते हैं मैट्रिक्स मूवी का कोई फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा बड़ा लेना देना नहीं है। ये जस्ट वहाँ पर आते आते आते, क्योंकि हम इंसानों को एक शौक है, क्योंकि इवोल्यूशन में भी हमारे यही है कि हमें फिक्शन बनाने का, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाने का शौक है, तो इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें गढ़ देते हैं जिससे एक बिजनेस भी हो सके और लोगों का मनोरंजन भी हो सके। बट जो सबसे बेकार चीज़ होती है वो ये कि इसके नेगेटिव प्रभाव भी हो जाते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति हमारी इससे इसमें कैसे मदद करते हैं, किसी भी ट्रैप में हमें हम फंसने से पहले किस तरह से अगर हम जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को फॉलो कर ले तो हम बच सकते हैं। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम जिस चीज़ को माया कह रहे हैं, जिस चीज़ को हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति इसको बिल्कुल नकारते भी नहीं है और इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने हिसाब से इसको देखो, जरा इसकी रियलिटी को देखो, इसको जज मत करो, इसको एक्सेप्ट मत करो, इसको क्रिटिसाइज मत करो, बस इसको देखो। जब आप किसी चीज़ को इस तरह से देखेंगे कि आप में और उस देखने में साइकोलॉजिकली कोई अंतर नहीं हो जाएगा, जब कोई डिफरेंस नहीं होगा तब आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, उस दौरान आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को इस तरीके से शुरुआती लेवल पर ऐसे समझ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको रिजेक्ट करो, तो यहाँ पर फिर आप अपनी फ्रेगमेंटेड नॉलेज अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी और वो एक अलग चीज़ क्रिएट करेगी। तो कृष्णमूर्ति के हिसाब से अगर मैंने एब्जॉर्ब किया तो मुझे पता लगा देयर इज़ नो मैट्रिक्स, एंड इफ देयर इज़ मैट्रिक्स दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड। देयर इज़ नो मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और मैट्रिक्स से निकलने का एक ही चारा है, वो है अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में समर्पित कर देना। सरेंडर योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। द प्रेजेंट मोमेंट में जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो, दैट इज द अल्टीमेट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम इज टू सरेंडर योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। और जय कृष्णमूर्ति की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो सब आपको इतना फ्री कर देती हैं, इतना फ्री कर देती हैं एक टाइम बाद, कि आपको जो आपके अंदर क्रेविंग होती है सिक्योरिटी को लेकर, पोजीशन को लेकर, पावर को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर आपके अंदर जो क्रेविंग होती है, आप अब आपको फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू अल्टीमेट सर्टेनिटी तक, फ्रॉम इनसिक्योरिटी टू अल्टीमेट सिक्योरिटी तक, आप किस तरह से एक प्रेजेंट मोमेंट में जब आप आ जाते हैं और उस दौरान आपको जो सिक्योरिटी फील होती है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और किस तरह से जय कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं हम देख रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं 20-25 साल तक जिनका मेडिटेशन का अनुभव है, वेदों और शास्त्रों का पढ़ने का अनुभव है, उन सब ने किस तरह से जब जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स जब उन्होंने अप्लाई की तो वो अपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाए। जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को हम इस तरह से नहीं कह सकते कि उन्होंने भगवान को नकार दिया है, या फिर वो जो हैं वो, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम में आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए तो आप जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स जैसे ही आप फॉलो करते हैं आप एक
मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, और उस मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स है ही नहीं, और जो मैट्रिक्स है ही नहीं वो आपको मैट्रिक्स लगती है, वो आपको मायाजाल लगता है, और वो मायाजाल आपके अंदर क्रिएट किया गया है, कंडीशन किया गया है आपको, आपकी सोसाइटी ने, आपके इन्वॉल्वमेंट ने, स्कूल्स ने, इन सारी चीज़ों ने आपको कंडीशन कर दिया है। इसकी वजह से आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो आप पता लगा ही नहीं पा रहे हो। यू आर सो फ्राइटेंड, आप इतने डरे हुए हो, इतने करप्ट हो अंदर से, इतने एंग्री एनवियस, ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर इतनी हावी हैं कि आप खुद को फ्री तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हो। एक तरह से हम इसे भी मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। अगर हम बात करें हर एक रिलीजन की जो कोर फिलॉसफी है, जो अल्टीमेट फिलॉसफी है, वो बिल्कुल सेम है, दैट इज़ द लव। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक रिलीजन में जो बातें हैं, किसी ने एक्सप्लेन करके उनको कुछ ज़्यादा बड़ा करके कहा हुआ है, किसी ने डायरेक्ट कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है लव, और दूसरी चीज़ प्रेजेंट में रहने का तरीका। जैसे कि अगर हम देखें कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में, वहाँ पर बात करी जाती है 2 घंटे मेडिटेशन की, हरे कृष्ण की चैंटिंग करी जाती है, इसमें मंत्रा पर फोकस करते हो, प्रेजेंट में रहते हो आप। बुद्धिज्म में कई सारी जो विधियां हैं, विपासना मेडिटेशन है, शिव में अगर हम बात करें, भगवान शिव की जितनी मेडिटेशंस हैं वो प्रेजेंट में रहने की जो साधनाएं वगैरह हैं, और अगर हम बात करें इस्लाम की, गुरु ग्रंथ साहिब की, वहां पर भी कैसे आपको नाम जप के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती है कि कैसे हमारे ब्रेन को एक तरह से प्रेजेंट में रहने की आदत डाली जा रही है, और प्रेजेंट में रहने की आदत डालने के बाद से ही हमें जो एक सिक्योरिटी, एक अल्टीमेट सिक्योरिटी फील होती है, और वो जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी हमें कम्प्लीटली बिल्कुल फ्री कर देती है हर एक चीज़ से। ओनली एट दैट मोमेंट आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, उसी मोमेंट पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अपना सही और ठीक गलत ये सारे की सारी चीज़ें पहचान सकते हैं जब आप कम्प्लीटली फ्री हो गए। क्योंकि अगर आप किसी आइडियोलॉजी से, किसी भी चीज़ से कंडीशनड है, तो आप नई चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो आप इसका मतलब पुरानी चीज़ को ही समझ रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ से कंडीशनड हैं। तो आपको ये सारे के सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली, आपको सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकली डिलीट ऑल योर मेमोरीज। ऑफकोर्स आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिकल लेवल तक, लेकिन मेमोरी की जरूरत पड़े, नॉट कि आप साइकोलॉजिकल तरीके से इतने ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि आपको किसी ने हर्ट कर दिया, वो चीज़ हो चुकी है, लेकिन आप हर्ट हैं, साइकोलॉजिकली आप हर्ट हैं। तो साइकोलॉजिकली हम कैसे अपने आप को इरेज करें, हम कम्प्लीटली अपने आप को साइकोलॉजिकली कैसे अपनी मेमोरीज को डिलीट कर दें, ये अगले आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो जब तक आप अपना कमेंट, आप अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।